तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पोको M3 के यूज़र हैं तो मैं आपको बता दूँ, आपके लिए भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर स्वामी की तरफ से जो भी यहाँ पर न्यूज़ है, इन्फॉर्मेशन आती है, वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे पोको M3 में हमारा लेटेस्ट अपडेट चल रहा है MIUI का 12.0.9.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट पोको M3 के लिए। तो होपफुली अब हमें पोको M3 के लिए एक न्यू अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, MIUI का 12.5 के एनहेंस का अपडेट। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ, यहाँ पे Redmi 9 पावर के लिए एक न्यू अपडेट रिलीज़ कर दिया गया है MIUI का 12.5.4.0 का लेटेस्ट इंडिया स्टेबल अपडेट। और इस अपडेट का साइज़ 2.5 GB का हमें देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि हमें Redmi 9 पावर में 12.0.12.0 Android 10 पर बेस्ड था और MIUI के 12 पर बेस्ड था। तो ये जो अपडेट इंडिया में आया है, ये हमें Android 10 से Android 11 और साथ ही साथ MIUI 12 से MIUI 12.5 एनहेंस का भी अपडेट यहां पर देखने के लिए मिल गया है। तो अब हमें पोको M3 में भी बहुत ही जल्द यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट है Redmi 9 पावर के लिए, ये अपडेट अभी के लिए केवल पब्लिक यूजर्स के लिए रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप का इशू जो चल रहा है वो अभी तक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे व्हाट्सएप के इशू को सॉल्व होने का वेट करना है, और जब यहाँ पे व्हाट्सएप के इशू सॉल्व हो जाएगा तो Redmi 9 पावर में ये अपडेट जो पब्लिक में रिलीज़ किया गया है, ये सभी यूजर्स को देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि Redmi 9 पावर में ये अपडेट अभी तक केवल एक ही यूज़र को देखने के लिए मिला है। तो इसी के कारण, व्हाट्सएप के इशू के कारण ही अभी तक बहुत सारे यूजर्स को ये अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, और ना ही वो इस अपडेट को डाउनलोड लिंक से चूज अपडेट पैकेज से फ्रेश कर पा रहे हैं। तो आपको सिंपली सबसे पहले व्हाट्सएप के इशू को फिक्स होने का अपडेट करना है। व्हाट्सएप के इशू के फिक्स होने के बाद Redmi 9 पावर में अपडेट आ जाएगा। उसके बाद हमें पोको M3 में भी RJFINXM इंडिया स्टेबल अपडेट पोको M3 में एंड्रॉइड 11 विद MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे Redmi 9 पावर यानी कि पोको M3 में MIUI के 12.5 के एनहांस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे वाईटी चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने ऑफिशियली वाईटी चैनल पर स्वामी की तरफ से जो भी यहाँ पे न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।